राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान पर कड़ा पलटवार करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पहले अपनी गलतियों पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में हुए घोटालों की जांच की जाएगी और दोषियों को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, जहां वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ समय बिता सकते हैं। मदन दिलावर ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार का सबसे प्रमुख उद्देश्य राजस्थान की जनता को समय पर पानी और बिजली उपलब्ध कराना है। उन्होंने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि इन भ्रष्टाचारों को उजागर करने का अब समय आ गया है। दिलावर ने विश्वास दिलाया कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और पारदर्शिता के साथ काम करेगी। दिलावर ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान सरकार राजस्थान की जनता के हितों को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रही है और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को सख्ती से निपटाया जाएगा। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार प्रदेश में विकास और सुशासन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए दिलावर ने कहा, हमारा सबसे पहले लक्ष्य रहेगा कि राजस्थान की जनता को पानी और बिजली समय समय पर उपलब्ध करवाना। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछली सरकार के दौरान हुए सभी घोटालों की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार के मंत्रियों के लिए कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में जीरो है, जीरो परफॉर्मेंस है। हाँ, ये सच कर रहे हैं। भारतीय पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते। भ्रष्टाचार करने का तो प्रशिक्षण इन्होंने ही लिया हुआ था, कांग्रेस को ने। इन्होंने बहुत लूटा है। उन्होंने तो 70 लाख विद्यार्थियों को, आसार्थियों को लूटा है, जिनके पेपर निकाल करके इन्होंने बेच दिए, करोड़ रुपये कमाए। अब चिंता ये सता रही है कि उन करोड़ रुपये को कहाँ रखें, क्योंकि SOG की और अन्य जो भी जांच एजेंसी है उनकी सुई घूम रही है। पर चिंता मत करो आप, अशोक गहलोत साहब और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आप शीघ्र ही तिहाड़ जेल जाने वाले हैं, जहां केजरीवाल से मिलना, बात करना और वहां कहना कि राजस्थान में हम इतने कुकर्म करके आए हैं, अब भारतीय पार्टी परेशान हो रही है क्योंकि हम पानी में पैसा खा गए, जलजीवन में पैसा खा गए, बिजली में पैसा खा गए, अब भारतीय पार्टी परेशान हो रही है। पर चिंता मत करो, हम परेशान नहीं होंगे। राजस्थान की जनता को हम समय पर पानी उपलब्ध कराने की पूरी तैयारियां हमने कर ली है, बिजली से भी निजात दिलाएंगे। पर आपने जो कुकर्म किया उसके कारण से कुछ संकट जनता के सामने हो रहा है।